भले लोग तो आंटी जी हमारे देश में बहुत हैं, भलों की कमी नहीं है, सेवा करने वाले बहुत बैठे हैं, आप कभी भूखे नहीं रह सकते। हमारा देश ऐसा है, यहाँ पर इतने सेवा करने वाले लोग हैं, आप कभी भूखे रह नहीं सकते। कैसे हो? कैसे हो आंटी जी? यहाँ क्या कर रहे हो बारिश में? मांगने के लिए आते हैं यहाँ पर? तो घर में कमाने वाला कोई नहीं है? आधार कार्ड लाने के लिए कहोगे घर वाला? क्यों आंटी? अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे आप कहीं काम धंधा करते हो आप? तो पहले क्या काम करते थे आप? तो आप झाड़ू पोछा के लिए वो परिवार मना करता कि नहीं आना ये कोरोना के चक्कर में? आवाज़ समझ नहीं, थोड़ा तेज बोलना आंटी, क्या कह रहे हो? 15 तारीख आना, अभी नहीं आना। अच्छा 15 तारीख के बाद आना? पैसा तो दे दो फिर। नहीं, आपने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरा घर कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा? जैसे कर ले। अच्छा जैसे मर्जी कर लो। तो घर में बच्चे भी हैं आपके? हाँ। क्या करते हैं वो बच्चे? आप मतलब यहाँ से पैसे मांग के जाते हो, बच्चों का पेट भरते हो? हाँ, दो दो तीन तीन किलोमीटर चले जाते हो आप? हर दिन दो आते रहते हैं। ऐसी मुसीबत पहले भी कभी आई आंटी जी? कभी नहीं आती थी, आजकल कभी नहीं। ये कोरोना के चक्कर में पहली बार ऐसे हालात खराब हुए? ये सरकार की तरफ से खाना पीना अच्छे से हो रहा है आपका? नहीं दे रहा, दो तीन दिन उधर ही खाना पीना दिए, नहीं मिल रहा खाना। क्या कहते हैं अगर जहाँ पे आप, जहाँ पे लाइनें लगती हैं इतनी बड़ी बड़ी, जहाँ पे सरकार कहती है खाना खिला रहे हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं? क्या लिख के लाओ? पता नहीं क्या चीज़ बोला, आधार कार्ड के साथ लिख के काम करके लाओ। अब इनको पेट भरना है तो क्या लिख के लेकर आओ? अभी एक आंटी और मिली थी मेरे को, उन्होंने भी बोला लिख के लाओ। तो मतलब ऐसा क्या उनको, इन लोगों का पेट भरने से मतलब है, लिखने से मतलब है? यहाँ कितना पैसा जोड़ लेते हो आंटी जी? आटा चावल दे, कोई आटा, कोई भैया आटा दे, चावल दिलाया, दाल दिलाया, तेल दिलाया। अच्छा कोई आटा दे देता, कोई चावल दे देता। कितने कितने घंटे यहाँ पे रहते हो रोड पे आप? 7 बजे तक रहते हो, मगर आज जल्दी जाते हो। अरे सुबह आते हो 7 बजे तक रहते हो? हाँ, 9 बजे घर से निकले। बहुत परेशानी है आंटी जी। तो मिला था 10 रुपए दिया खाने का सामान दिया। भले लोग तो आंटी जी हमारे देश में बहुत हैं, भलों की कमी नहीं है, सेवा करने वाले बहुत बैठे हैं, आप कभी भूखे नहीं रह सकते। हमारा देश ऐसा है, यहाँ पर इतने सेवा करने वाले लोग हैं, आप कभी भूखे रह नहीं सकते। बाहर के देशों में का पता नहीं मेरे को, लेकिन अपने देश का पता है, अपने देश में कोई भूखा नहीं रह सकता, इतने सेवा करने वाले लोग हैं। तो कभी जो थोड़ी बहुत चिंता परेशानी हो रही है सब ठीक हो जाएगी, आप परमात्मा में भरोसा रखो। आप, मैं छोटी सी मदद कर रहा हूँ आंटी जी आपकी, आप प्लीज़, अभी बारिश ज़्यादा तेज़ हो रही है, मैं भी भीग गया हूँ, आप घर पे चले जाओ टाइम से और बच्चों का ध्यान रखो, ठीक है आंटी जी? चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता ना करना, जल्दी सब ठीक हो जाएगा, और कुछ दिन की बात हो रहा है, और हमेशा लेकिन मास्क लगा के रखना, और कभी भी किसी से हाथ वाथ नहीं मिलाना ऐसे, क्योंकि इस टाइम बीमारी बहुत ज़्यादा गंदी है, मतलब बहुत बेकार चल रहा है देश के अंदर इसका सारा का सारा काम। ठीक है आंटी जी, चलो हमेशा खुश रहना आप। ओके, मैं जब भी निकलूँगा ना यहाँ से, आप यहीं मिलोगे ना मेरे को, तो सामान खाने का देता जाऊँगा मैं। ठीक है, अभी आप घर जाओ।